खाने का कुछ नहीं है आपको निकालना, अब पीछे पैक कर लेना है, गाड़ी में नहीं निकलेगा। टिम्बर निकाल लो यार, क्या है सामान मेरे पास है, टिम्बर की तो बहुत है भाई मेरे पास है ना बस। हाँ बस ये चप्पल है यार, एक और बैठो, एक आगे है, एक लो कोई चीज तुम्हारी जैकेट वगैरह से बंद कर दो, ये सामान सारा भर दिया अपने घर। निकल रहे हैं बस, अल्लाह का नाम लेके और आप सब से दुआओं की पूजा है कि पहले से जाएँ पहले से आए। नेशनल हाईवे पे आगे जाके मिलता है। हम सब्जी मंडी वाली रोड पर मुड़ रहे हैं वहाँ से, और झंडे लगे हुए हैं हर तरफ, इलेक्शन की बहार है, तो आप भी अपने वोट का सही तरह इस्तेमाल करिएगा। अभी तक इन्हें एक सही रोड नहीं बनाई है ऊपर जाने के लिए, तो ये बहुत खड्डे होते हैं। हम लोग नेशनल हाईवे पे आ गए हैं, यहाँ से फिर हम टोल की तरफ जाएंगे, वो मोटरवे की तरफ, वहाँ टोल पे करके फिर मोटरवे पे आएंगे। और ये तकरीबन स्पीड है 80 की स्पीड पे हम अभी हैं और हम उससे ऊपर जा रहे हैं।
अभी 7:56 हो रहे हैं, सुबह के 8 बज गए और अब हम 100 के करीब की स्पीड पे हम पहुंच गए। जल्दी से हम अपना सफ़र कर रहे हैं और अभी ये हम नेशनल हाईवे पे हैं, तेज़ी से जा रहे हैं। सूरज बिल्कुल कोने में हमें दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऊपर आ रहा है आहिस्ता से, इतना अच्छा सीनरी दिखाई दे रही है। अभी टूल प्लाजा में हम रुकेंगे, वहाँ का भी आपको दिखाएंगे कि हमें कितना वहाँ पे प्राइस पड़ती है, टोल हमें कितनी पड़ती है। वहाँ से फिर हम और अच्छी रोड पे आ जाएंगे, मोटरवे पे M9 कराची हैदराबाद M9 मोटरवे, सामने ही लिखा हुआ है हमारे, हम अब जा रहे हैं। ट्रकों की अलग है, यहाँ पर भी है, हम गाड़ी की सेक्शन में जाएंगे, बीच से आप वहाँ जाएंगे। ये सारी बसें जा रही हैं कराची हैदराबाद, कितने पैसे? हैदराबाद जा रहे हैं ठीक है, हमें आगे जरूरत पड़ेगी M-Tech की जरूरत पड़ेगी अभी आपको ठीक है, नॉट कंपलसरी, हमें यहाँ पे कोई टोल पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बोल रहे हैं आगे जाके हमें अभी रसीद बस दे दी है, 8 बज रहे हैं, कोई टोल हमने पे नहीं किया है। ये अब हम M9 पे आ गए हैं मोटरवे पे और यहाँ से अब हम हैदराबाद की तरफ जा रहे हैं। एक मिनट के लिए ले लो, दो मिनट के लिए ले लो, ट्राई मारो।
वेलकम टू DHA सिटी। ये पहाड़ियाँ यहाँ पे कितनी हैं, हिल्स हैं बिल्कुल, पत्थर ही पत्थर। ये बिल्कुल नज़ारा बिल्कुल, ये सूरज ऐसे निकला हुआ है, शाइन इतनी अच्छी दे रहा है, दिखाई शाइन इसकी दिखाई दे रही है बिल्कुल। सुबह सुबह हम निकले हुए हैं, ये हम हर दोनों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं हमारे। देखिए ये बिल्कुल कैनियंस बिल्कुल बने हुए हैं। और मुल्तान तो बहुत आगे 800। नेक्स्ट हमारा टोल प्लाजा हैदराबाद में ही आएगा। अब बिल्कुल खुला खुला यहाँ पे सब आ गया है। ये कुछ ट्रक ऐसी बीच में रोड के से आया हुआ है ना, तो हमारी स्पीड गिर जाती है। ये लोग सीक्वेंस पे अभी नहीं चल रहे, तो ये चेक इन बैलेंस यहाँ पे नहीं है। जैसे ये भी बीच में भी आया हुआ है, इनको एक लेन बनी हुई है, उस लेन में ये नहीं होते। नॉर्मल पुल है। बहुत से टाउन्स हैं, पेरिया टाउन, DHA सिटी टाउन, फास्टन योर सीट बेल्ट्स। नूरियाबाद है यहाँ पे 2 किलोमीटर पे यहाँ राइट पे। हैदराबाद 62 किलोमीटर पे यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। टाइम हो रहा है 8:53।
ट्रैफिक देखें, ट्रकों की वजह से कितनी ज़्यादा रोड जो है ना वो ब्लॉक हुई हुई है, उसमें बड़ा मुश्किल होता है जाना यहाँ पे। बीच बीच से कार्ड से निकल के हमें जाना पड़ेगा। इंडस इनक्लेव बिल्कुल सीधा रास्ता है, तो कि एंट्रेंस है लेकिन बिल्कुल सीधा जा रहा है। ये अभी हम यहाँ पे स्टॉप पे यहाँ रुके हैं पेट्रोल पंप के पास, नाश्ता यहाँ नाश्ता ऐसे ही मतलब खाना ही खा रहे हैं, नाश्ता तो नहीं बिल्कुल, रोल और बर्गर्स हमने बनाए थे ये हम निकाल लें, कॉफ़ी भी है। तुम ले लो, यहाँ पे हम थोड़ी देर खा पी के ज़रा 15-20 मिनट रुक के भी अपना रास्ता पे पूरा करेंगे। हैदराबाद बस आने ही वाला है, पापा टेस्ट करके बताएंगे कैसा है। स्पाइसी चिकन बोटी का हमने बनाया था रोल पराठा। चले हम अभी खा के हम फिर रास्ते में निकलते हैं, फिर आपको बताते हैं कितना दूर है। मैंने पिछले बोर्ड में तो देखा था 50 किलोमीटर्स था हैदराबाद, अब तो आने ही वाला होगा। ये कॉफ़ी है, कॉफ़ी घर से लाए थे, बिल्कुल देखें फ्रेश। कैसी है? ज़बरदस्त है ये इस वक्त तो। मैं अभी भी थोड़ी देर में कॉफ़ी पीऊँगा जब अपना बर्गर खा लूँ, बर्गर अभी रोल खा रहा हूँ। बहुत गर्म है। ये बर्गर है, इसमें KNN का जो है ना पेटीज डाला हुआ था, हमने घर से ही लाए थे हम चीज़ें वगैरह खाने के लिए, तो KNN का जो है ना पेटीज डाला था, डॉन के बर्गर वो थे, बर्गर बन तो बिल्कुल सही है खाने के लिए। ये कैसा लगा? ख़त्म हो गया, मैंने अभी शुरू किया। पेटीज अच्छी है ना, पेटीज दिखाओ अंदर। लेटिस KNN की पैटी और माइनस, ये तीन चीज़ें, और ये बढ़िया बड़ा अच्छा बर्गर है, सिंपल है और सही है बहुत। अरे गाइस अब हम वापस रास्ते में निकल गए हैदराबाद के लिए, हम यहाँ से रिफ्रेश हो गए, खा पी लिया है, मैं भी अभी कॉफ़ी अपनी पी रहा हूँ। अब हम लगभग पहुँच ही गए, आगे बोर्ड भी आ रहा है उसमें लिखा होगा कितनी दूरी रह गई है। बाद है और कोट पे नोनी कोट टाउन है, कोटरी है, ये हैदराबाद का ये टोल आ गया है। टाइम हो रहा है 10:01 वाले टोल पे तो फ्री दी थी ना उसने पर्ची। अब यहाँ देखते हैं कि ये पहले देखते हैं यहाँ पे हमें कितना टोल पहले पड़ेगा। 340 ही होगा। अस्सलाम वालेकुम, पिछली तो नहीं दिखानी ना, ये तो नहीं दिखाने की जरूरत ना। तो हैदराबाद में और तो देना पड़ेगा ही नहीं है, बिल्कुल यही है, एक और आएगा। तो अभी सुनने में आया है कि रास्ते में एक और टोल आएगा, और अभी हमें यहाँ पे पड़ा है 340 मिनिमम टोल, लेकिन बहुत ही मतलब ज़्यादा किया हुआ इनने यहाँ पे, 340 हमें हमने दिए हैं। बेहरान यूनिवर्सिटी, ये पूरी यूनिवर्सिटी है बड़ी सी, बेहरान यूनिवर्सिटी साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। इसका सुनते थे बहुत, तुम आज तुमने देख लिया ये रास्ते में कितना मेन बड़ी
ये चल रही है सारी, कितनी बड़ी देखो, सब चल रही है, इतनी बड़ी इसका एरिया है। ये तो बाहर हैदराबाद देखो, सीधा जाना है हैदराबाद, जाम शोरों के नहीं इधर जाते हैं रास्ता, जाम शोरों जाना होता हम इधर जाते हैं, अब हम क्योंकि जा रहे हैं उस तरफ, क्या नाम है, हैदराबाद, तो हम सीधा जाएंगे। ये अब हमारा टोल एक और आ गया है, कहाँ है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जाम शोरों का ये टोल है, N5 लिखा हुआ है, N5। अब देखते हैं यहाँ कितने पैसे देने पड़ेंगे, और वहाँ तो हमने कितने दिए थे, 340, पहले वाला फ्री था फिर 340 दिए, अब यहाँ देखते हैं यहाँ कितने देने हैं। यहाँ लिखा हुआ है देखो, कार के 30 हैं, वैगन 50 है, मज़दा, ये तो हमारे मेरे हिसाब से तो 30 रुपये बनते हैं, अब देखो कितने लेते हैं ये 30 रुपये का टिकट लिया है, 30 रुपये हमें टिकट हमें दिया है। ये N5 शुरू हो रहा है, ये अब N5 पे हम आ गए, सारी खेत। ये सब खेत हैं हरे हरे यहाँ पे, शायद ऐसा चांस आ सकता है थोड़ा हम आगे जाएं और एकदम से बारिश के अंदर ही आ जाएं, अगर आगे तेजी से हो रही है, मूवी का बिल्कुल सीन हो जाए, बारिश के अंदर ही चले जाएं। पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल खुला खुला रेत, पता ही रेत है, ग्रेवल है, रेत ही है अंदर, नीचे दिखाई दे रही है पानी, ये दरिया सिंध है, ये रहा दरिया, ये बहुत बड़ी है, इतना फॉग कितना, बहुत ब्यूटीफुल, ये बताओ फॉग कितना, फॉग बहुत है,
आ गए, इंटर हो गए हमें, रास्ते भी हमने एक आदमी से पूछ लिया है और अभी हम सीधा हम सदर की तरफ जाएंगे, बॉम्बे सदर कैंट की तरफ जाएंगे, वहाँ पे बॉम्बे बेकरी जो है ना वहाँ विजिट करेंगे। ये रेस्टोरेंट है ये पूरा, ये शुरू में बिल्कुल है ना इसमें, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है ये देखिए, इस वक्त बिल्कुल ही कोई धूप वूप नहीं है, बारिश का है क्योंकि आज और कल कराची में तो बारिश होने का था। तो हाँ देखिए आगे से आ रहा है कि हमने उल्टे हाथ पे टर्न लेना है और वो हैदराबाद में, वहीं से फिर हम जाएंगे सदर कैंट की तरफ। ये देखें सदर, इनका मेन बाजार है वो शॉपिंग वगैरह के नहीं है, वहीं भी कैंट है और वहाँ ये है बॉम्बे बेकरी मशहूर, तो वहीं से हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि वो सुबह ही सुबह वहाँ मिलता है, बाद में फिर टाइम वगैरह उनका शेड्यूल क्या है क्या नहीं हो।